हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली वीट फुल बॉडी वैक्स स्ट्रिप्स और इसका रिव्यू एंड डेमो और इसके क्या क्या बेनिफिट है, ये सब लोगों के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो वीट का जो है ये इजी ग्रिप है, रेडी टू यूज़ वैक्स स्ट्रिप है और बहुत कम टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फुल बॉडी वैक्सिंग है, ड्राई स्किन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा है इसके अंदर एंड लोटस फ्लावर फ्रेग्रेंस है, राइट। एंड 20 वैक्स स्ट्रिप्स आती है आपको इसके पास और यहाँ पर आपको यूजेस दिखाए हुए हैं किस तरीके से करना है। तो मैं भी आपको बताऊंगी इसमें डेमो कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप फुल बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ पे, पैर पे, लेग्स पे, नेक पे एंड पीठ पे, बैक पे, सब पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आप बिकनी लाइन पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंडर आर्म्स पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बिकनी एरिया पे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको रैशेज आने के चांसेस है या फिर दाने आने के चांसेस है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी मैंने बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें जो है आपको इस तरीके से स्ट्रिप मिलते हैं, 20 स्ट्रिप मिलते हैं और इस तरीके से आपको जो है एक वो मिलता है साफ़ करने के लिए, आपको इस तरीके से एक पाउच मिलता है, इसी से आप साफ़ कर सकते हैं। आप कोई ऑयल एंड वैसलीन इससे उससे आप किसी से भी इसको साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो आप इसी से उसको साफ़ करना ताकि अच्छी तरीके से साफ़ हो पाए। अगर ये आपके पास है तो मुझे नहीं लगता आपको पर्सनली पार्लर में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वैक्स होता है, स्ट्रिप जो होती है, ये आपके जड़ से बालों को निकालती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डेमो भी बताऊँगी कि किस तरीके से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी इस तरीके से इसको मैं सबसे पहले कट कर लूँगी बीच में से। आप डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा और बड़ा आप लेना चाहो। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से इसे रब करूँगी ताकि थोड़ी सी मेरे हाथों की हीट मिले और वो थोड़ा सा पिघल जाए। आपको भी इसी तरीके से करना है, आप डायरेक्टली इसको ओपन नहीं कर सकते तो हीट मिलेगी। उसके बाद आपको जो है इस तरीके से यहाँ पर दिया गया इस तरीके से आपको पुल करना है, बहुत इजीली आपका ये निकल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे भी आपको वैक्स करनी है वहाँ पे आप इसको जो है इस तरीके से लगा लिए। आपकी हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन से आप ये कीजिए। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से ये करना है। जितनी देर आप उसको अच्छी तरीके से रब करोगे उतनी देर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पुल करने में मिलेगा। और फिर आपको एक ही झटके में जो है इसको अच्छी तरीके से पुल करना है। तो जितने भी आपके जो हेयर है, मैंने अभी ही रिसेंट वैक्स कराई थी, इसी से वैक्स की थी, तो मेरे अभी इतनी हेयर ग्रोथ नहीं है, लेकिन आप इसको 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको हेयर है तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से हेयर है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। हेयर ग्रोथ की अपर डायरेक्शन में आपको निकालना है, अपोजिट डायरेक्शन में, और आपको ये जो दिया गया है इससे इसको साफ करना है। तो मुझे ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट आई थी बहुत टाइम पहले मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप दी वीट वैक्स स्ट्रिप से रिव्यू करके बताओ कि और डेमो बताओ। तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब फ्री है। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।